खबरें हैं कि अक्षय कुमार और उनके खास दोस्त नीरज पांडे की फिल्में अयारी और 2025 जनवरी 2017 को रिलीज होंगी और बॉक्स ऑफिस क्लैश होंगी। अब इस क्लैश पर बात करते हुए नीरज पांडे ने कहा था कि अभी तो पता भी नहीं कि अक्षय की फिल्म की रिलीज डेट क्या है, लेकिन अगर फिल्म रिलीज हुई तो भी दोनों अलग अलग तरह की फिल्में हैं। लेकिन अब एक ताज़ा इंटरव्यू में नीरज पांडे ने सीधी बात करते हुए ये माना कि अगर फिल्में क्लैश होती हैं तो जाहिर सी बात है कि अयारी के कलेक्शन पर असर पड़ेगा। गौरतलब है कि इस क्लैश पर बात करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पहले ही कहा कि वो अक्षय कुमार से भिड़ने को लेकर काफी नर्वस हैं। वैसे जानिए बॉलीवुड के वो क्लैश जहां दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब चली। लगान वीज गदर लगान और गदर दोनों ही फिल्में पीरियड ड्रामा थीं और बॉक्स ऑफिस की दोनों फिल्मों ने मिलकर बैंड बजा दी थी, लेकिन गदर ने ऐसा धमाका किया था कि आज तक लोग उसे भूले नहीं। घायल वीज दिल आमिर खान और माधुरी दीक्षित के रोमांस के साथ सनी देओल मीनाक्षी शेषाद्री का इंग्री अवतार, लेकिन लोगों ने दोनों फिल्म देखी और दोनों ही फिल्म को काफी पसंद किया गया। दोनों ही फिल्में उस साल की टॉप 10 बॉक्स ऑफिस में थीं। गोलमाल रिटर्न्स वीज फैशन दो मल्टी स्टार फिल्में। सबको लगा था कि गोलमाल रिटर्न्स फैशन को खा जाएगी और शुरुआत में ऐसा लगा भी, लेकिन प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत की फिल्म ने धीरे धीरे अपने लिए जगह बना ही ली। वहीं रोहित शेट्टी की गोलमाल दो ने हंसी के दंगे करवाए थे। तारे जमीन पर वीज वेलकम सब जानते हैं कि आमिर खान परफेक्शनिस्ट है, इस बार भी वो कुछ ऐसा ही लेकर आए थे। और अक्षय कुमार की वेलकम को नॉर्मल मसाला फिल्म माना जा रहा था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही फिल्में बखूबी टिकी और लोगों के दिल में भी। जब तक है जानवी सन ऑफ सरदार 2012 की दिवाली ने फैंस को निराश भले ही किया हो, पर बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही फिल्मों की कमाई ताबड़तोड़ थी। शाहरुख खान की जब तक है जान और अजय देवगन की सन ऑफ सरदार एक साथ रिलीज हुई थी। काबिल वीज रईस हाल ही में इस महाक्लैश में नुकसान किसी का नहीं हुआ।